हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट नेटवर्क। तो आज हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर आप लोग के लिए अब बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है फ्रेंड्स। जितने भी बेल्ट के पास आउट कैंडिडेट हैं, तो आप लोगों को मैं नोटिस को पढ़ के दिखा देता हूँ। तो नोटिस को पढ़ने के बाद आपके चेहरे पर स्माइल ज़रूर आ जाएगी, ठीक है। चलिए मैं आपको सबसे पहले अपडेट के बारे में बता देता हूँ कि क्या है अपडेट। भूमि सुधार विभाग की तरफ से बड़ी खुशखबरी यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिला है, ठीक है। बेल्टोन के पास जितने पास आउट कैंडिडेट हैं, वो सारे कैंडिडेट बार बार मुझे कमेंट करते हैं कि LRC का जो है पेंडिंग है या LRC ज्वाइनिंग कब तक लोगों को यहाँ पे दे सकता है LRC में, ठीक है। और LRC की तरफ से लोगों को ज्वाइनिंग कब तक देखने को मिल सकता है, बार बार लोग यहाँ पर कॉमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों का बार बार SMS कर रहे थे, तो अब आप लोगों को सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो भूमि सुधार विभाग का यहाँ पे ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि टोटल 538 अंचलों में मतलब दो दो ऑपरेटर लगेंगे। यहाँ पे 1068 रिक्त पदों पर कब तक जो है यहाँ पर लिया जाएगा टोटल LRC में, ठीक है। तो चलिए उस लेटर को मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, और बताते हैं कि LRC में ज्वाइनिंग कब तक देखने को मिल सकता है आप लोगों को। उस लेटर में साफ साफ लिखा है, ठीक है। तो उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। ये PDF है फ्रेंड्स, बेल्टन और भूमि सुधार विभाग के द्वारा बैठक में लिए गए निर्णय। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, विजय सर का रिकॉर्डिंग सुनाया था, जिसमें विजय सर इसी बैठक के बारे में बता रहे थे। तो बेल्टन और भूमि सुधार विभाग के बैठक में जो निर्णय लिए गए थे, उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे उसका सोल्यूशन जो निकल के आया है फ्रेंड्स, वो इसमें सारे कुछ यहाँ पे लिखा हुआ। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे अच्छी तरह से देख सकते हैं, दिनांक है 10/6/2022। यहाँ पे है अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना की अध्यक्षता में राज्य अंतर्गत विभिन्न अंचल कार्यालय में सेवा प्रदाता के माध्यम से संविदा के आधारित डाटा एंट्री ऑपरेटर सेवा उपलब्ध कराए जाने के संबंध में संबंध बैठक की कार्रवाई। तो ठीक है, यहाँ पे बैठक की कार्रवाई की गई थी। यहाँ पे उपस्थित कुछ यहाँ पे बेल्टन और भूमि सुधार विभाग के पदाधिकारी यहाँ पे शामिल थे, ठीक है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, राज्य सरकार के विभिन्न अंचलों में सुचारू रूप से कार्य संपन्न कराए जाने हेतु संविदा आधारित डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा उपलब्ध कराए जाने की कार्रवाई के संदर्भ में अचब अपर मुख्य सचिव, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया कि पिछली बार जब 534 डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो ज्वाइनिंग हुआ था, तो उन लोगों में से टोटल यहाँ पे जो है 112 लोग जो है योगदान नहीं किए थे, किसी कारणवश हो सकता है वो लोग योगदान नहीं किए हो। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे 112 जो है लोगों को वहाँ फिर से लोगों जो है ज्वाइनिंग दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पे देखिए क्या है, पुनः यहाँ पे दिया हुआ है पूर्व में नियोजित कर्मियों के अतिरिक्त, उसके अतिरिक्त यहाँ पे 534 यानी कि हर एक अंचलों में पूरे बिहार में 534 यहाँ पे अंचल है। तो यहाँ पे दो दो ऑपरेटर हर अंचल में लगेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1068 की यहाँ पे टोटल वैकेंसी है, ठीक है। तो 1068 और यहाँ पे 112 है, तो टोटल यहाँ पे हो गया आपका कुल मिला के 1200 प्लस यहाँ पे जो है LRC की तरफ से अधियाचना बेल्टन को जा चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेटर है, ये विभाग का लेटर है, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत जल्द यहाँ पे ज्वाइनिंग देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो है यहाँ पे नीचे में दिया गया है कि ERP प्रणाली के माध्यम से 534 नोडल प्राधिकारी की नियुक्ति के पश्चात ही उन अंचलों में विभाग द्वारा पूर्व से नियोजित कर्मियों को संबंधित अंचल के नोडल पदाधिकारी के साथ संबंध किया जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ पे ये लेटर लिखा गया है सारे पदाधिकारी को, जिला पदाधिकारी को, कि वहाँ पे आप लोग अपने अपने यहाँ पे जो है अपने अपने कार्यालय में अपने अपने विभाग में आप यहाँ पे नोडल पदाधिकारी का जो नियुक्त कीजिए, वहाँ से हम लोग उससे संपर्क करेंगे, ठीक है। उन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा कि जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर का यहाँ पे नियुक्त किए जाएंगे, उन लोगों का जो है उपस्थिति का विवरण जो है वो अपलोड करेगा ERP में, ठीक है, ताकि वेतन आदि का जो है प्रॉब्लम ना हो, वेतन आदि सुचारू रूप से मिलती है। इस आधार पर अनेक विभाग कार्यालय में संविदा कर्मियों की प्रतिनियुक्ति भुगतान की प्रणाली के माध्यम से ही की जाएगी, ठीक है।
उसके बाद निगम द्वारा स्पष्ट किया गया कि कर्मियों का प्रशासनिक दृष्टिकोण से हस्तांतरण का अधिकार भी विभाग के अधिकारियों के पास ही होगा एवं भविष्य में कभी भी कर्मियों के हस्तांतरण के लिए वह स्वतंत्र होंगे। हस्तांतरण के पश्चात इसे ईआरबी में दर्ज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको जो है हस्तांतरण में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप कि फ्रेंड आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे इलाज सिंह बहुत जल्द आप लोगों को ज्वाइनिंग देखने को मिल सकता है, बहुत जल्द आप लोगों को यहाँ पे खुशखबरी मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे 2-4 दिन वेट कर लीजिए, बहुत जल्द आप लोगों को जो है एल आर सी की तरफ से ज्वाइनिंग देखने को मिलेगा, ठीक है फ्रेंड। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो फ्रेंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना फ्रेंड, ठीक है। चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।